Hey guys, आज हम करने वाले हैं एक फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट। 6 स्मार्टफोन है अपने पास, 3 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला और 3 मीडियाटेक डिमेंसिटी प्रोसेसर वाला। Realme 11 Pro Plus एंड Realme 11 Pro में मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7050 चिपसेट मिल जाएगा एंड OnePlus 10R में डिमेंसिटी 8100 मैक्स। Poco A5 में स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2, GT Neo 3D में स्नैपड्रैगन 870 एंड Poco X5 Pro में स्नैपड्रैगन 778G। इन सारे स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड OS मिल जाएगा। Realme 11 Pro, 11 Pro Plus एंड GT Neo 3D में Realme UI 4.0 के साथ, Poco A5 एंड X5 Pro में MIUI 14 के साथ और OnePlus 10R में Oxygen OS 13.1 के साथ। एक बात इन सारे स्मार्टफोन में कॉमन है, सारे स्मार्टफोन में 120 Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, बट GT Neo 3D का डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा कम है, बट पीक ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी का साइज सब में सेम है, 5000 mAh। बैटरी मैंने सारे स्मार्टफोन में फुल कर दिया है एंड किसी भी स्मार्टफोन में किसी तरह कोई पावर सेविंग मोड या पावर बूस्ट मोड मैंने ऑन नहीं किया है। सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है। सारे स्मार्टफोन को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है। किसी भी स्मार्टफोन में कोई सिम नहीं है। ब्राइटनेस सबका रहेगा फुल यानी मैक्स और वॉल्यूम रहेगा 50% पे। सबसे पहले हम यूट्यूब शॉर्ट्स प्ले करेंगे 1.5 घंटे के लिए। 40 मिनट हो चुका है एंड अभी तक 1% भी बैटरी ड्रॉप नहीं हुआ है Realme 11 Pro Plus में। Poco A5 में 1% हुआ है, OnePlus 10R में 6% ड्रॉप हो चुका है, Realme 11 Pro में 5, GT Neo 3D में 4 एंड Poco X5 Pro में 2। किसी स्मार्टफोन में मैंने नोटिस किया है 100 से 99% आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। फिलहाल 1.5 घंटे के बाद Realme 11 Pro Plus में 7% ओनली 7% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Poco A5 में भी 7, वाओ, OnePlus 10R में 13, Realme 11 Pro में 12, GT Neo 3D में 11 और Poco X5 Pro में 9% बैटरी ड्रॉप हुआ। अब गाइस इंस्टा रील्स 1.5 घंटे के लिए। टोटल 3 घंटे हो गए, 1.5 घंटा इंस्टा रील्स का कंप्लीट एंड Realme 11 Pro Plus ने 14% बैटरी ड्रॉप किया है। इस बार Poco A5 ने भी सेम 14% बैटरी ड्रॉप किया है, OnePlus 10R ने 19, Realme 11 Pro ने 16, GT Neo 3D ने 12 और Poco X5 Pro ने 15। नाउ गाइस हम YouTube पे 1080p वीडियो प्ले करेंगे, 1.5 घंटे के लिए ब्राइटनेस फुल रहेगा। वैसे सारा स्मार्टफोन 4K वीडियो सपोर्ट करता है, सारे स्मार्टफोन में हम 4K HDR वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। रील्स एंड शॉर्ट्स जैसे कंटेंट अगर आपको ज्यादा देखना है, ज्यादा देखते हो तो Realme 11 Pro Plus एंड Poco A5 का एवरेज बेटर दिख रहा है। 2 घंटे में दोनों स्मार्टफोन ने अगर दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो बैटरी कम ड्रॉप किया। वैसे GT Neo 3D एंड Poco X5 Pro भी अच्छा है, बट OnePlus 10R और Realme 11 Pro ने थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है। गाइस एक अजीब बात यह है कि Realme 11 Pro Plus एंड Realme 11 Pro दोनों स्मार्टफोन में बैटरी का साइज सेम है, डिस्प्ले का साइज भी सेम है, डिस्प्ले भी सेम है दोनों में, 120 Hz AMOLED एंड प्रोसेसर भी दोनों स्मार्टफोन का सेम है, Dimensity 7050, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी तक Realme 11 Pro Plus का। टोटल 4.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटा YouTube का कंप्लीट एंड Realme 11 Pro Plus ने इस बार 15% बैटरी ड्रॉप किया एंड Poco A5 ने भी 15, दोनों एकदम बराबर चल रहा है। OnePlus 10R ने 18 एंड Realme 11 Pro ने 15, यानी 11 Pro Plus और 11 Pro ने इस बार सेम बैटरी ड्रॉप किया है। GT Neo 3D ने भी 15% और Poco X5 Pro ने भी 15% बैटरी ड्रॉप किया। एक्चुअली 62 पे था, 1% अभी फटाक से ड्रॉप हुआ है। अब गाइस कैमरा हम सारे स्मार्टफोन में 4K 30fps पे 30 मिनट के लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बट उससे पहले हम सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। Realme 11 Pro Plus 38 डिग्री के आसपास दिखा, Poco A5 का भी बॉडी टेम्परेचर सेम दिखा, OnePlus 10R थोड़ा सा ज्यादा 39, Realme 11 Pro भी 39, GT Neo 3D भी 39 और Poco X5 Pro 38 डिग्री के आसपास दिखा। इन सारे स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K 30fps पे शूटिंग कर सकते हो, बट GT Neo 3D ओनली स्मार्टफोन है जिसमें आप 60fps पे भी शूटिंग कर सकते हो। तो 4K 30fps सेट कर दिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। यूट्यूब पे एक अजीब घटना घटा है, सारे स्मार्टफोन ने 15% बैटरी ड्रॉप किया, सिर्फ OnePlus 10R को छोड़कर जिसने 18% बैटरी ड्रॉप किया। तो मल्टीमीडिया के लिए सारे स्मार्टफोन में आपको सेम एक्सपीरियंस ही होगा, OnePlus 10R थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, बस ये ध्यान में रखना। 4K रिकॉर्डिंग Poco X5 Pro में हम 8 मिनट के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम एक्सपीरियंस मेरा हुआ था Redmi K50i के साथ भी। Realme 11 Pro Plus एंड Realme 11 Pro और Poco X5 Pro तीनों स्मार्टफोन ने अपना ब्राइटनेस जो है ना ड्रॉप कर लिया, देख सकते हो ब्राइटनेस फुल है, बट तीनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस आपको थोड़ा सा लो लग रहा होगा। Realme 11 Pro Plus 48 डिग्री के आसपास दिख रहा है, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ गया है। Poco A5 बहुत ही ठंडा ठंडा कूल लग रहा है, 38 के आसपास था, 41 डिग्री के आसपास दिखा, यानी ओनली 3 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ा है। OnePlus 10R भी 39 के आसपास था, 44 डिग्री के आसपास दिख रहा है, ओनली 5 डिग्री टेम्परेचर इसका भी बढ़ा है। Realme 11 Pro 50 डिग्री हिट कर चुका है, 11 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ गया है। GT Neo 3D 39 के आसपास था, 46 के आसपास दिख रहा है, 7 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ा है। एंड Poco X5 Pro 38 के आसपास था,
47 पे दिख रहा है, 9 डिग्री टेम्परेचर इसका पड़ गया। Realme 11 Pro Plus एंड Realme 11 Pro दोनों स्मार्टफोन गेमिंग के टाइप पे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पेशली 4K रिकॉर्डिंग के टाइप पे थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गया दोनों स्मार्टफोन। 20 मिनट 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद Realme 11 Pro Plus ने 13% बैटरी ड्रॉप किया एंड Poco A5 ने ओनली 7%। गाइस OnePlus 10R में 11% बैटरी ड्रॉप है, 39 पे दिख रहा है। Realme 11 Pro 44 पे दिख रहा है, 13% बैटरी ड्रॉप किया। GT Neo 3T 52 पे 10% बैटरी इसमें ड्रॉप हुआ है। Poco X5 Pro 51 पे दिख रहा है, 10% बैटरी इसने भी ड्रॉप किया 30 मिनट में। गाइस अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो GT Neo 3T आपको 20 से 23000 रुपए के बीच में मिल सकता है एंड ये 4K 60fps पे वीडियो शूट कर सकता है और बैटरी ड्रॉप भी इसमें कम हुआ है Realme 11 Pro Plus और Realme 11 Pro से। वैसे बैटरी बैकअप के लिए सबसे तगड़ा दिख रहा है यहाँ पे Poco A5। नाउ हम BGMI खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 3 घंटे के लिए। इन सारे स्मार्टफोन में आपको स्मूथ के साथ एक्सट्रीम सेटिंग्स मिलेगा, 90fps कोई भी स्मार्टफोन ऑफर नहीं करता है। Realme 11 Pro, Realme 11 Pro Plus एंड Poco X5 Pro में स्मूथ के साथ अल्ट्रा मिलेगा, Poco A5, OnePlus 10R एंड GT Neo 3D में HDR के साथ एक्सट्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन 3 घंटा कंप्लीट कर पाता है। OnePlus 10R में 39% बैटरी बचा हुआ था एंड 2 घंटा 5 मिनट के बाद OnePlus 10R डेड, टोटल 7 घंटे 5 मिनट चला OnePlus 10R। गाइस दूसरा विकेट गिरा GT Neo 3T 7 घंटे 29 मिनट में, 52% इनका 2 घंटा 29 मिनट चला BGMI। गाइस ठीक 8 मिनट के बाद तीसरा विकेट गिरा Realme 11 Pro का 7 घंटे 37 मिनट में, इनका 44% 2 घंटा 37 मिनट चला BGMI। ओके लीजिए चौथा विकेट भी गिर गया Poco X5 Pro का 7 घंटे 49 मिनट में, इनका 51% 2 घंटे 49 मिनट चला BGMI। एंड फाइनली Realme 11 Pro Plus भी 7 घंटे 53 मिनट में डेड, इनका 51% 2 घंटे 53 मिनट चला BGMI। ओके तो Poco A5 ओनली स्मार्टफोन है जो 3 घंटा कंप्लीट कर पाया, 10% बैटरी इसमें अभी भी बचा है। तो चलिए अब टास्क को रिपीट करते हैं, 1 घंटा के लिए इंस्टा रील्स प्ले करते हैं। Poco A5 को छोड़कर किसी भी स्मार्टफोन ने 3 घंटा कंप्लीट नहीं किया, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि पर आवर में कौन सा स्मार्टफोन ने कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप किया। Realme 11 Pro Plus ने 17% बैटरी ड्रॉप किया है 1 घंटे में। वैसे मैं वाईफाई यूज कर रहा था, अगर मैं मोबाइल डेटा यूज करता तो थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रॉप होता। Poco A5 ने 15.66% बैटरी ड्रॉप किया है 1 घंटे में, OnePlus 10R ने 18.72%, Realme 11 Pro ने 16.81% बैटरी ड्रॉप किया, यानी सेम Realme 11 Pro Plus जितना, थोड़ा सा कम। GT Neo 3D ने सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है 20.93% एंड Poco X5 Pro ने 18.1%। फाइनली Poco A5 8 घंटे 54 मिनट में डेड, इनका 10% 54 मिनट चला इंस्टा रील्स। Realme 11 Pro Plus Realme 11 Pro से 16 मिनट ज्यादा चला, GT Neo 3D से 24 मिनट एंड Poco X5 Pro से 4 मिनट। Poco A5 को अगर Realme 11 Pro Plus से कंपेयर करूं तो 1 घंटा बैटरी बैकअप ज्यादा मिला Poco A5 में, 1 घंटा 50 मिनट ज्यादा मिला OnePlus 10R से और 1 घंटा 25 मिनट ज्यादा मिला GT Neo 3D से। एंड गाइस Poco X5 Pro से 1 घंटा 5 मिनट, OnePlus 10R सबसे पीछे था, Realme 11 Pro 8 मिनट ज्यादा मिला GT Neo 3D से एंड 32 मिनट ज्यादा मिला OnePlus 10R से। GT Neo 3D को अगर कंपेयर करूं तो OnePlus 10R से 24 मिनट ज्यादा मिला एंड Poco X5 Pro को अगर GT Neo 3D से कंपेयर करूं तो 20 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा मिला, 12 मिनट ज्यादा मिला Realme 11 Pro से एंड 44 मिनट 44 मिनट्स OnePlus 10R से। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आप लोगों को इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।